मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धर्म छिपा की दोस्ती, दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, वसूले 1 लाख। धर्म छिपाकर बागपत के युवक ने सोशल मीडिया पर किशोरी से दोस्ती कर ली, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और कार में दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 4 लाख रुपए की मांग की, किशोरी ने 1 लाख रुपए दे भी दिए। मामले की जानकारी होने पर पिता ने 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को बागपत से गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसकी 17 साल की बेटी 15 अप्रैल 2024 को मदार नगर गांव के बाहर सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी कार से बागपत जिले के थाना सिंगावली के मोहल्ला अमीर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी अमन उर्फ दिलशाद खान पहुंचा और बेटी से बताया कि वह बांगरमऊ जा रहा है। पिता के मुताबिक रास्ते में युवक ने आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे बेटी अचेत हो गई। फिर आरोपी उसे एकांत जगह पर ले गया और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 4 लाख रुपए की मांग करने लगा। बेटी ने उसे 50,000 रुपए 2 बार में दिए, शेष रुपए ना देने पर बेटी को धमकी देने लगा। पिता के मुताबिक घटना का पता चलने पर उन्होंने 6 सितंबर को अमन उर्फ दिलशाद खान के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन बागपत में मिली, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ अरविंद कुमार ने बताया कि अमन उर्फ दिलशाद खान ने धर्म छिपाकर सोशल मीडिया के जरिए किशोरी से दोस्ती की थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह 4 लाख रुपए मांग रहा था, किशोरी ने 1 लाख रुपए दे भी दिए थे। बाद में मामला सामने आया तो आरोपी को बागपत से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी वहां मेडिकल स्टोर चलाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।